Students, how are you all? Today we are going to start the reading of our chapter 5 in English Reader about the four seasons. And this is story about four seasons. They are turning to each other to showing their best in which. Okay, now let's start. Open your book, students, and put finger on each word that I am reading. Once the four seasons had a quarrel. एक बार चारों seasons के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है. Now the first word is here for new season. Okay. The second is I am better than the three of you. In which the winter is saying I am better than three of you. विंटर कहता है कि मैं तुम तीनों से ज्यादा अच्छा हूँ. एंड द समर इज सेइंग आई एम बेटर देन यू. अब समर क्या कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ. फिर इसी बात पर ऑटम क्या कहता है, नो आई एम द बेस्ट, नहीं मैं ज्यादा अच्छा हूँ. एंड देन स्प्रिंग इज सेइंग आई एम द बेस्ट. फिर स्प्रिंग सीजन कहता है कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ. विंटर, समर और ऑटम और स्प्रिंग सीजन चारों अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और कहते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ. सो स्टूडेंट टर्न योर पेज. द सेकंड लाइन इज हियर, एवरीवन थॉट दे वर द बेस्ट. हर कोई ये सोचता है कि वो ज्यादा अच्छे हैं. तो थॉट मीन्स क्या होगा बच्चों, टी एच ओ यू जी एच टी. थॉट मीन्स होता है सोचना. Now, अब स्प्रिंग सीजन क्या कहता है, आई ब्रिंग लवली फ्लावर्स टू ब्लूम टू फुल ब्लूम. अब स्प्रिंग सीजन अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए अपनी क्वालिटीज बताता है कि मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर फ्लावर्स लाता हूँ जो फुल ब्लूम होकर इस सीजन को और भी सुंदर बना देते हैं. बर्ड्स चैप मैरिली, और बर्ड्स खुश होकर खुशी में जब सुंदर सुंदर फ्लावर्स और ट्री ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं तो मेरे सीजन के आने पर सारे जो पक्षी होते हैं वो चहचहाने लग जाते हैं. नाउ बटरफ्लाइज डांस अबाउट द फ्लावर्स, और बटरफ्लाइज जो तितलियां होती है वो फूलों पर डांस करने लग जाती है, मंडराने लग जाती है. देयर इज अ जॉय एवरीवेयर, और हर कहीं क्या हो जाती है, खुशी ही खुशी दिखाई देती है. क्योंकि स्प्रिंग इज द इज कॉल्ड द किंग ऑफ द ऑल सीजंस, यानी ये सभी जो ऋतुओं की किंग और क्वीन, रानी और राजा कहलाता है. क्योंकि इस सीजन में हर कहीं रंग बिरंगे फूल और ग्रीन ग्रीन पेड़ दिखाई देते हैं. नाउ अब समर अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए क्या कहता है, एवरीबडी हैज अ लॉट ऑफ फन. हर कोई बहुत ज्यादा मजे करता है. दे हैव आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मैंगोज एंड वाटरमेलन्स. और हर कोई किसको समर सीजन को एंजॉय करने के लिए बच्चों हम क्या खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और मैंगोज इस सीजन में बहुत मिलते हैं, उसके हम शेक बनाते हैं या उसे बहुत तरीकों से हम खा सकते हैं. फिर वाटरमेलन्स. पीपल एंजॉय स्विमिंग एंड गोइंग टू द बीच, और लोग इस सीजन में स्विमिंग का भी बड़ा मजा लेते हैं और बीच पर भी जाकर वहाँ जो बीच क्या होता है बच्चों, एंड एरिया बिसाइड द सी, सी के पास, समुद्र के पास, पानी के पास जो एरिया होता है उस पे लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर गर्मियों के सीजन में वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं. सो द सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड इज स्विमिंग. स्विमिंग क्या होता है बच्चों, स्विमिंग मींस तैरना. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ऑटम क्या कहता है, बाय द टाइम आई कम पीपल आर टायर्ड ऑफ द हीट. अब ऑटम अपनी इंपॉर्टेंस के लिए क्या बताता है कि जब मैं आता हूं तो लोग गर्मी से बिल्कुल थक जाते हैं. टायर्ड मींस होता है बच्चों थक जाते हैं. I bring cool air and change the color of the leaves. और मैं ठंडी ठंडी हवा और पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनके कलर को भी चेंज कर देता हूँ.
मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स, और इस सीजन में बहुत से जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को गिरना शुरू कर देते हैं, शेड यानी फॉल ऑफ करना शुरू कर देते हैं और न्यू लीव्स उन पर आना शुरू हो जाते हैं। सो फोर्थ वर्ड, न्यू वर्ड इज टायर्ड। टायर्ड मीन्स होता है बच्चों थका हुआ। ओके नाउ अब लास्ट में विंटर क्यों पीछे रहेगा, वो भी क्या कहता है, सम पीपल फील वेरी कोल्ड। मेरा जब सीजन आता है तो मेरे सीजन में कई लोग बहुत सर्दी महसूस करते हैं, बट दे एंजॉय हॉट चॉकलेट्स एंड सूप। पर इस सीजन में भी लोग बहुत मजे करते हैं। किस तरह से एंजॉय करते हैं, वो हॉट चॉकलेट्स पीते हैं, यानी हॉट कॉफी पी लो या आप कोई भी हॉट ड्रिंक पी सकते हो, और सूप, वेजिटेबल सूप वगैरह इस जो सीजन में लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। अब जब आपस में वो सारे लड़ रहे होते हैं तो द सीजन डोंट लिसन टू ईच अदर, सारे सीजन एक दूसरे को सुन नहीं रहे थे, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस बताए हुए जा रहे थे। तो फिफ्थ वर्ड इज लिसन। लिसन मीन्स सुनना। नाउ अब जो विंटर होता है वो क्या कहता है, आई डोंट लाइक समर, मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। शी इज टू प्राउड, इसे बहुत ज्यादा घमंड है। घमंड मीन्स प्राउड मीन्स घमंड, किसी को अपनी चीज पर प्राउडनेस होना। ओके समबडी फील प्राउडनेस ऑफ हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। नाउ अब समर क्या कहता है, आई डोंट लाइक विंटर, मुझे सर्दी पसंद नहीं है। वो उसके ऑपोजिट बोलता है कि मुझे भी सर्दी पसंद नहीं है। शी इज टू कोल्ड, यह बहुत ठंडी होती है। अब स्प्रिंग डिसाइडेड टू एंड द कोल्ड, आप दोनों जब सारे सीजन आपस में लड़ने होते हैं तो स्प्रिंग सीजन को क्या बोला जाता है, एक काम सीजन, ऋतु शांत सीजन जो माना जाता है बेटा, वो कहता है, वो डिसाइड करता है कि मैं किस तरह इनकी लड़ाई कैसे बंद करूं। तो बेटा द सेवंथ वर्ड इज डिसाइड्स, DECIDES, डिसाइड्स मींस निश्चय करता है कि मैं किस तरह इनकी लड़ाई को बंद करूं। तो अब जो स्प्रिंग सीजन होता है वो बोलता है डोंट फाइट विंटर, लड़ो मत विंटर सीजन, इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट स्नो फॉल्स, तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही मौसम आने पर स्नो फॉल होती है यानी बर्फ गिरती है। व्हेन द स्नो मेल्ट्स द रिवर एंड लेक्स फिल अप विद वाटर, और जब जो बर्फ होती है वो पिघलती है, जब वो पिघलना शुरू करती है तभी तो नदियों में और झीलों में पानी आता है। एज यू नो स्टूडेंट्स, जब बर्फ हिमालय पर्वत पर गिरती है और जब हीट से, हल्की हीट से वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो सारी रिवर्स और लेक्स में पानी फिल होना शुरू हो जाता है। दिस इज द सेकंड सोर्स ऑफ वाटर, फर्स्ट इज द रेन एंड सेकंड विल बी दिस स्नो। नाउ अब स्प्रिंग उसको, समर को क्या कहता है, एंड समर इट इज बिकॉज ऑफ योर सनशाइन दैट ग्रेन्स ग्रो इन द फील्ड। अब वो समर को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे ही कारण सनशाइन, सूरज इतनी जोर से चमकता है कि सारे खेतों में, फील्ड्स होता है बेटा खेत, खेतों में जो ग्रेन होता है अनाज पकना शुरू हो जाता है। तो एट वर्ड इज हियर फील्ड्स, फील्ड्स मतलब होता है बेटा खेत। नाउ एंड फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, तुम्हारे ही, तुम्हारी गर्मी के कारण फील्ड्स पर जो खेतों में अनाज पकता है और पेड़ों पर फ्रूट्स पकते हैं। उसके बाद दैट्स ट्रू स्प्रिंग, वी मस्ट बी यूनाइटेड। अब जब स्प्रिंग उन्हें समझाता है तो इनकी बात सुनकर विंटर क्या कहता है, हाँ ये सच है स्प्रिंग, वी मस्ट बी यूनाइटेड, हम सभी को क्या रहना चाहिए, बी टुगेदर, यूनाइटेड मीन्स मिलजुल कर रहना चाहिए। ऑल द सीजंस आर इम्पोर्टेंट, सारे सभी सीजंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके इसके बाद सो स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर बिकम फ्रेंड्स वंस अगेन। इन सभी की, जब स्प्रिंग की बातें सुनकर सभी अपना सोच
कर देते हैं। उसके बाद स्प्रिंग समर और ऑटम और विंटर एक दूसरे के क्या बन जाते हैं बच्चों? फ्रेंड्स बन जाते हैं। दे प्रॉमिस टू नेवर फाइट अगेन, और वो एक दूसरे से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। सो नाइन्थ वर्ड इज प्रॉमिस। Now we all are all important. इस पर समर क्या कहता है कि हम सभी important हैं। हम सभी का अपना एक अलग अलग view है, अलग अलग हमारी importance है, तो हम सभी बहुत important हैं और हमारे season के बदलने से ही अलग अलग चीजों को, अलग जो पृथ्वी पर जो चीजें उपस्थित हैं उन सभी को फायदा होता है। तो last word is important, okay? Important मतलब महत्वपूर्ण, okay? जरूरी होना। So students, let's start true false of this chapter to reminding your knowledge. Now write true, T for true and for F for false for these statement. So all the season agreed that summer was the best. क्या सभी सीजन एग्री थे कि समर बेस्ट है? यस या नो? नो, बिकॉज दे आर क्वेरिंग टू ईच अदर दे वर द बेस्ट, सो दे आर फाइटिंग टू ईच अदर। ओके, सो क्वेश्चन ए ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स, वो उसको समर को बेस्ट नहीं मान रहे थे। नाउ सेकंड, लवली फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में लवली फ्लावर्स ब्लूम होते हैं? यस, इस सीजन में लवली फ्लावर्स दिखाई देते हैं। नाउ थर्ड, ऑटम फेल्ट इट वाज द बेस्ट। ऑटम ये सोच रहा था कि वो बेस्ट है? यस, सभी सीजन जिस तरह से अपने आप को बेस्ट दिखा रहे थे, तो ऑटम भी अपने आप को बेस्ट शो कर रहा था। नाउ फोर्थ, समर फेल्ट विंटर वॉज नॉट कोल्ड इनफ। समर ये सोच रहा था कि विंटर ज्यादा कोल्ड नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। हाँ, वो यही सोच रहा था कि विंटर पर्याप्त कोल्ड है। नाउ फिफ्थ इज, विंटर एंड समर डिड नॉट लाइक ईच अदर। क्या विंटर और समर एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे? यस, बिकॉज they are thinking they were the best. Now last one is, the season became friend again. क्या last में spring के समझाने पर वो चारों friends बन गए थे? Yes, they become friend at the last of this chapter. So student, thank you and I think you understood all this chapter and revise this chapter with the help of this video. Thank you. Have a nice day.